Hello students, today we are going to discuss arrest in cognizable cases. In CRPC, the cognizable offense has been defined as any offense for which a police officer may, in accordance with the schedule, that is to say the first schedule, or as according to any other law for the time being in force, arrest without a warrant. बिना वारंट के उसको किसी भी एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसे ऑफेंसेस को आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं. बट व्हाट इज एक्चुअली द प्रोसीजर टू अरेस्ट सच पर्सन? प्रायर टू द 2009, द प्रैक्टिस ऑफ अरेस्टिंग एनी पर्सन हु वाज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस वाज वेरी डिफरेंट. इन ईच एंड एवरी केस द पुलिस ऑफिसर हैज द डिस्क्रिशन ऑफ अरेस्टिंग सच पर्सन. बट आफ्टर 2009 द सिचुएशन हैज टोटली डिफरेंट नाउ. And the police officer, as a discretion, cannot arrest any person as of right. तो अब जो position है वो कुछ इस तरीके की है. Section 41 जो कि substantive right देता है पुलिस को कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, वो cognizable offences के बारे में तीन तरह की बातें कहती है. If any sort of cognizable offence, whether it is punishable with 3-year punishment or whether it is punishable with death or life imprisonment or any other punishment, if it is committed in the presence of police, first of all, it is committed in the presence of police, then he may be arrested without a warrant. ऐसे cases में police की discretion होती है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है. But in cases where it is not committed in the presence of police, there may be two kind of cases. If the offence is punishable with 7-year imprisonment or less than 7-year punishment, and the cases in which the offence is punishable with more than 7-year imprisonment. तो ये जो दो offences हैं इनके लिए अलग discretion police exercise कर सकती है. जो offences 7-year या फिर 7-year से कम imprisonment के लिए punishable हैं, उनके लिए जो डिस्क्रिशन होती है पुलिस की वो थोड़ी कम होती है, बिकॉज दे हैव टू डील विद वैरायटी ऑफ सिचुएशन एंड दे हैव टू रिकॉर्ड देयर रीजंस. लेकिन जहाँ पर वेर इट इज़ पनिशेबल विद मोर देन 7-year इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर उनकी डिस्क्रिशन बढ़ जाती है. किस तरीके से बढ़ जाती है? इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 7-year इम्प्रिजमेंट और लेस देन 7-year इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ पर पुलिस जो होगी उसको देर शुड बी अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, द एक्यूज पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस. ये रीजन सबसे जरूरी है. और इसके बाद में भी, दिस इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ, इसके बाद में भी पुलिस को ये देखना है कि वेदर सच अरेस्ट इज नेसेसरी. इफ सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑफेंस टू बी कमिटेड और टू प्रिवेंट फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस or to prevent the accused person from committing any further offense or to from making any inducement threat or promise from causing the evidences to disappear or for any other reason, if the police officer considers that the arrest is necessary, then he may arrest him and he will also have to record his reasons for making such an arrest. इसके अलावा अगर वो गिरफ्तार नहीं करता है तो भी उसको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे. दैट मींस ऐसे सभी केसेस में जहां पर वो अरेस्ट करने वाला है ही विल हैव टू, और ऐसे सभी केसेस में जहां पर वो गिरफ्तार नहीं कर रहा है ही विल हैव टू रिकॉर्ड हिज रीजंस. लेकिन दूसरे ऐसे ऑफेंसेज जहां पर वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर सीवियर पनिशमेंट, दैट इज टू से मोर देन 7-year इम्प्रिजमेंट, वहां पर सिर्फ उसकी रीजन टू बिलीव दैट द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द एक्यूज पर्सन इज सफिशेंट, वो उसके बाद उसको गिरफ्तार कर सकता है. सो ये तीन केसेज हैं. इफ इट इज़ कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर तो वो गिरफ्तार कर लेगा तुरंत. इफ इट इज़ कमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर तो ये देखा जाएगा कि वेदर इट इज़ पनिशेबल विद 7-year इम्प्रिजमेंट और मोर देन 7-year इम्प्रिजमेंट. अगर 7 साल या उससे कम है तो फिर रीजन टू बिलीव प्लस द अरेस्ट मस्ट बी नेसेसरी. वो किस किस के लिए नेसेसरी? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह, जो कुछ 5 बातें हैं. एंड द रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड. और इफ इट इज पनिशेबल मोर सीवियर पनिशमेंट देन 7-year तो फिर रीजन टू बिलीव इज सफिशिएंट, रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस. सेकेंडली, अब एक अरनेश कुमार का एक जजमेंट आया. इससे पहले क्या होता था कि 498A के मैटर्स में ऑटोमेटिकली गिरफ्तारियां हो जाती थी. बट इन अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, इट वॉज रिपोर्टेड इन 2014, इट वॉज डिसाइडेड बाई द सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा
since the offence of 498A is punishable with 3 years, so there should not be any automatic arrest in such cases. The police will have to follow the procedure as prescribed under 41A. अभी 41A क्या होता है? 41A में जहाँ कहीं भी पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी करनी ज़रूरी नहीं है, जहाँ कहीं भी पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी करना ज़रूरी नहीं है, तो फिर वहाँ पर वो नोटिस दे सकती है. वो उसको नोटिस देना होता है एक्यूज पर्सन को, और अगर नोटिस दिया जाता है तो ये एक्यूज की जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उस नोटिस के कंप्लाइंस में पुलिस पुलिस के यहाँ पर जाए और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में अटेंड करे. लेकिन अगर और वो अगर बार बार अगर इस तरीके से अगर कंप्लाई करता रहे ऐसे डायरेक्शंस को, तो ही शैल नॉट बी अरेस्टेड. लेकिन अगर ऐसा आदमी अगर वो ही फेल्स टू अटेंड द पुलिस स्टेशन, तो फिर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अरेस्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए कभी गिरफ्तारी नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा. बट इफ़ सच ऑफेंसेस कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ही में अरेस्ट सच एक्यूज पर्सन फॉर एसर्टेनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज पर्सन. अगर ऐसा जो नाम व पता जो है वो अगर पता लगाया जा सकता है विद इन द टाइम, तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. थैंक यू.